बाइक से एक्सीडेंट हुआ, वहाँ बच गए भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गुड मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं। वैसे पिछला व्लॉग भी मैंने ऐसे ही सुबह ही एंड किया है, बस अभी ना तो क्या है, अभी कपड़े आपको इस व्लॉग में भी वही मिलेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है और सामान आने पर बहुत नहीं नीचे खड़ी है, अभी दिखाएंगे आपको क्योंकि इसमें कैमरा टर्न नहीं होता और हम फ्रंट कैमरे से व्लॉग करें। तो आज का कुछ ऐसा प्लान है, हम जाएंगे गौरीकुंड तक, ट्राई तो वही है जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है ना, वहाँ तक हमारा ट्राई रहेगा आज की आज पहुँच जाए। और अभी सामान सामून भी लेना है, हमने पावर बैंक लेना है, पावर बैंक हो गया और डिकैथलॉन से शर्ट सूट स्लीपिंग बैग तो लेना ही है, वो तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लेनी पड़ेगी। तो अभी हम मतलब चंडीगढ़ जा रहे हैं, फिर निकलते हैं क्योंकि लेट तो हो ही चुके हैं, अब आराम से पहुंच गए। आपको पूरा बताएंगे कि कितना दूर है चंडीगढ़ से, मतलब गौरीकुंड कितना दूर है और कितने टाइम से निकलो। चलो अभी हम चंडीगढ़ चलते हैं, वहाँ से सामान चखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, ये है साड़ी गड्डी, डोपामाइन रिलीज करना है इसका आज और निकलते हैं। और ये देखिए गाड़ी के हालात ठीक है, तो साफ रखी है, बाकी सामान देख सकते हो आप, गड्डी फुल पैक है, इसलिए जब भी था लो इसे ना लो क्योंकि सामान नहीं आता। ये देखो क्लियर बात। और अभी हम निकलेंगे यहाँ से पहले जीरकपुर, जीरकपुर में जाएंगे डीकैथलॉन। क्यों? पहले चंडीगढ़ चलते हैं, सामान लेते हैं, पावर बैंक भी लेना है यार, क्योंकि ऊपर लाइट लूट ऐसा बता रहे कुछ भी नहीं है, ना लाइट लूट की फैसिलिटीज ना ही कुछ और फैसिलिटीज मिलेगी, सिर्फ वहाँ भोलेनाथ मिलेंगे और वो भी जिसकी किसी को। जय भोलेनाथ जी, आ चुके हैं लीजिए प्रॉपर्टी बिल्डर डीकैथलॉन। और ये आ गया हमारा डीकैथलॉन, खुल भी गया, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग पे और करते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग। शॉपिंग तो क्या भाई, यहाँ यहाँ पता है मुझे, इनको बता, इनको भी पता है, देखा है यार हमारे पिछले व्लॉग में, स्टार्टिंग के व्लॉग भूल गया था, क्यों नहीं दिखाया था स्टार्टिंग के व्लॉग में, दिखाएंगे सर पूरा दिखाएंगे। चलो इस बार क्योंकि कॉन्फिडेंस आ चुका है थोड़ा बहुत, कॉन्फिडेंस तो वी आर बोर्न विद इट। डीकैथलॉन के अंदर और ये स्लीपिंग बैग लिया है, अब युगांतर ढूंढ रहे हैं शेड्स, शेड से मिल नहीं रहे हैं, ग्लव्स भी ये लेने, ग्लव्स यहाँ देख रहे, रोप्स हर चीज़ है यार, ट्रैकिंग ट्रुकिंग के तो बहुत अच्छा सामान मिल रहा है। बारिश देखो आज है 1 तारीख और 2 तारीख बारिश देखिए और बारिश नहीं, इतनी गंदी बारिश आती है ना प्लेन्स में यार, अरे ना पड़ेगी। 410 किलोमीटर है टोटल, 418 के आसपास किलोमीटर है शिमला से, टोटल 540 अगर आप चंडीगढ़ होते हुए जा रहे हो। शिमला वाले वैसे पीछे से भी जा सकते हैं, तिमड़ी होते हैं वाया रोड, पर वो है ना रोड है थोड़ा मतलब खराब, ठीक है रोड से, पर यहाँ हाईवे है ना, हाईवे फिर वो भी हो जाता है, वहाँ से बहुत शॉर्ट है। हाँ हो सकता है, पर हम इस वाले रोड से जा रहे हैं तो 400 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे आज हम, जहाँ केदारनाथ का मतलब बेस पॉइंट है ना, जहाँ से ट्रैक शुरू होगा। मेन मेन स्पॉट्स आएंगे, ये आपके हरिद्वार होगा, ऋषिकेश हो गया, देवप्रयाग होगा, हरिद्वार में आज डुबकी मारेगा हर चीज करेंगे, आज इसकी डुबकी मरवाएंगे या फिर इसको मतलब दान ही कर देंगे गंगा मैया को कि हमें नहीं चाहिए, आप ही रखो इसको, हमारे को नहीं चाहिए। दुनिया हमारी चेकिंग हो चुकी है दोबारा से, बार बार चेकिंग हो रही है, पता नहीं क्यों लोग हमारी चेकिंग करते हैं, आज तो नहा के भी आए थोड़े ठीक भी लग रहे, पता नहीं क्या बात है, आज सोच है अभी नहीं हो रहा हमारे पास, क्यों भाई लाइफ में पहली बार हुआ था, कुछ नहीं है, चलो जैसा भी करो चेकिंग, मिलता तो फिर भी नहीं हमको, बाकी आराम से जाओ दोस्तों, घूमो फिरो, 500 किलोमीटर की ये हमारी जर्नी है, बाकी हम राम राम से घूमते फिरते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे हम क्या क्या बकचोदियां करते हैं आराम से। ट्रैफिक 2 घंटे हो चुके हैं हमें और ये गौ माता की जय हो, गौ माता का ट्रैफिक देख सकते हैं आप, इस ट्रैफिक की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रैफिक लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो ये गाड़ी वाला ना हरी कहीं गाड़ियां लगा देते, कल भी हमारे साथ कितनी दिक्कत हुई है क्या बताए, चलो ऐसा ही है क्या कर सकते हैं, किस किस के साथ लगाएंगे अब, हर इंसान की स्टोरी में अच्छे बन पाएंगे, मैं तो पूरा ही वैसे बैड बॉयस। दोबारा से एक चेक पोस्ट आ चुका है हरिद्वार वालों का, उत्तराखंड में एंटर अभी हो गया, होने वाले हैं, कोई नहीं है बस ये लास्ट बॉर्डर है, फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे टोल प्लाजा के पास 2 लोगों का सीन हो चुका है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रुप का सीन है भाई, कुछ देखो इसलिए बोलते हैं कि मत लड़ो, लड़के कुछ नहीं मिलेगा, ये देखो मार खा रहे हैं, लड़ रहे हैं भाई लड़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ के रोड, ये रोड नहीं कह सकते, ये क्या
तो एक बंदा सो चुका है हमारे साथ और अब वही ट्रिप करेंगे हम दोबारा से। इसलिए बोलते हैं हमारे साथ सोना इज इम्पॉसिबल, जो मर्जी हो भाई सोना नहीं, बाकी जो मर्जी गंद पाओ। अभी हम आधे घंटे बाद पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। अभी यहाँ पे रुके थे एक पुल के पास, पता नहीं क्या नाम है इस पुल का, बट यहाँ से व्यू देखिए बहुत ही सुंदर, मजा आ रहा है। और ये हमारी गाड़ी के हालत देखिए, ये बिल्कुल जैसी हमारी शक्ल है वैसी हो चुकी है, ऐसे हाल होने इसके, और क्या करना। और ये निकलते हैं भाई आगे, कुछ नहीं होना यहाँ पे, कुछ नहीं रखा। फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार, ये देखिए गंगा मैया है। तो कभी ना कभी वही तो हम आ जाएंगे, हर हर गंगे हो जाएगा इसमें नंगे, नंगे तो होना ही पड़ेगा भाई। ओम देख तो क्या सुंदर बना तो जन्नत है यहाँ भी, यहाँ हर जगह की अलग अलग बात है। जाते हैं अंदर नहाते धोते हैं, इस बार तो नहाऊंगा जरूर। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार फाइनली। उज्ज्वल ने व्लॉग लुक तो बनाना नहीं है, उसने दिखाया तो है नहीं, बता दिया था ना हरिद्वार पहुंच गए, बहुत एहसान किया भाई। तो अब उज्ज्वल अभी डुबकी वगैरह मारेगा तो इसकी न्यूड्स वगैरह आप लीक कर देना, बाकी मैं वीडियो में डाल दूंगा सब कुछ इसका। संजय दत्त कैसी मारेगा डुबकी, गुंजन मार रहा है भाई। लबू मन किया तो श्रद्धा पे हो तो देख के श्रद्धा बुलाएगी तो यहाँ पे। यार भाई जो भी ऐसे तीर्थ स्थलों में ऐसे कूड़ा फैलाते हैं ना, ये ना क्या करो, यहाँ देखो कितनी गंदगी है। अब कोई टूरिस्ट टूरिस्ट आएंगे, फॉरेनर्स क्या सोचेंगे, इसलिए कूड़ा ना करवाएंगे। यस लबू को करो फेमस, ये सफाई करेंगे, कुछ ऐसा माहौल होता है यहाँ। यहाँ से मार्केट शुरू और सामने फिर गंगा माता के दर्शन कराएंगे आपको। हम तो करते ही रहते हैं, हर साल तो वही जाते हैं हमारे। क्या आप गंगा माता के दर्शन है यार। हरिद्वार का माहौल तो कुछ भगवा भगवा कलर ही है ना, सुंदर। जो जय श्री राम। क्या चाहिए वर्मा जी, क्या चाहिए? छुपाने के लिए तो है नहीं आपके पास कुछ, तौलिए की क्या जरूरत है, हैं? जाओ ये लो गंगा माता के दर्शन कर लो। अभी इसमें नीचे जाएंगे और इन बच्चों की तरह नहाएंगे। चलो देख सकते हो जो कैसे पीछे डालते हैं ना लोग, वो यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं बिजनेस। बाय चलावे उसमें फंसते रहेंगे सिक्के। हाँ जो इसमें रस्सी सी है, बाकी ये भाई तो सिक्के ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, देख भी सकते हो आप सिक्के। न्यू मेथड यार, मैं नाना तो खाया दत्त भाई हमारे उज्ज्वल जी चले गए नाने। जहाँ भाई भर में ठंडा है हर कुछ है। पकड़ कपड़े पकड़ यार भाई, इसको दे मार मार भाई डुबकी 3 times। वो आने दो ये पहले उज्जू, वो आने दे पहले यार मुझे नहीं आया, फिर आ जाएंगे भाई, तो यही पहन लेना। थोड़ी देर बैठ लो ना, इसमें डूब जाए, टेम्परेचर होने दो ऐसा। सुन अगर असली बर्मा है ना इसमें परे जाके जाए, इसको क्रॉस करके तैर के। तेरी फोटो लेता रुक, ये कैप्शन में अच्छी लगी। मार मार रू कंपनी की है ना भाई, बीमार हो जाते एकदम यार, बीमारी कौन है इनको लग गया पता कि ठंडा है। अभी शायद डुबकी मार दे एक घंटे बाद, देखो भाई कितने अच्छे नजारे हैं आगे। पल्ली साइड तो गहरा हो गया यार। अरे वो बंदा डुबकी मारता है भाई यार, झटपट करो ना भाई, इतना थोड़ी एकदम बैठो। हाँ अभी तो सांस चढ़ लेगी ऊपर, नहीं ऊपर वर्मा जी तो भाई अब हमारा सारा काम हो चुका है यहाँ पे, इन्होंने डुबकियां मार दिया और हमने गंगा जल चख दिया है घर वालों के लिए, बड़ी आस्था है उनकी कि गंगा का जल ले आया करो। तो मैं कहा ठीक है उज्ज्वल, और उज्ज्वल ने गमछा डाल दिया है। देख ली होगी आपने इसकी न्यूड्स, अब प्लीज वायरल कर दो उनको जितना आप ओनली फैंस में डालना चाहते हो या कहीं भी डालना चाहते हो। क्यों जो
और अब हरिद्वार से जो सोनप्रयाग की जो किलोमीटर बचे वो है कुछ 260 के आसपास ना, पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि अब पहाड़ी टाइप वाला एरिया शुरू हो जाएगा, तो 7-8 घंटे लग जाएंगे यहाँ से अभी हमें। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, तो हम रात को ही पहुँचेंगे वहाँ पे। इतना ट्रैफिक है कि आजकल क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, अब पता नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे, टाइम ही पहुँच पाएंगे वो तो देख के लगे। अब देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से खाना खुना खा के। निकल चुके हैं हम हरिद्वार से, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन होगी ऋषिकेश। ऋषिकेश और यहाँ से केदारनाथ 230 किलोमीटर, और आजकल इतना ट्रैफिक है यहाँ पे कि पूछो मत, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। शिमला से लेकर अभी तक हमारे हर ब्लॉग में हमको ट्रैफिक मिलेगा जो भी हमारी रोड ट्रिप्स है। देखिए गाइस, हमें 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और यही ट्रैफिक मिलेगा आज पूरी रात। आज हमारी रात नहीं होगी क्योंकि हमें पूरी रात ड्राइव करना पड़ेगा और मज़े करने पड़ेंगे। मज़े तो कुछ नहीं है इसमें, ये बस बोलने में अच्छा लगता है कि ये बाहर घूमने वो हमें जान से, और ये वो उनकी शक्लें बता रही होगी जो उनका भूस्खलन हुआ आज पटेगा में। यात्रियों, ऋषिकेश में रुके हैं, ATM से कैश कुछ निकालते फिर आगे निकलते, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ट्रैफिक लगा है और आगे शायद से ATM बंद हो, तो इसलिए यहाँ से निकालते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आए हुए, ये पूरा पैक है और ऋषिकेश से लेकर वहाँ तक। इस वजह से ऋषिकेश से खाना खुना खा के अभी हुआ है टाइम 6 बजे और हम पहुँचेंगे रात को 1-2 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और जो अभी ये रास्ता आएगा इसके बाद ऋषिकेश के बाद, ये होगा पूरा हिली एरिया, पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे आपको, इसलिए ड्राइव आराम से करना। क्यों, क्या बोलते हैं, हम खुद कर ले पहले वही बता रहा हूँ कि आराम से करना ड्राइव, बाकी रोड अच्छे हैं, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस, ऐसा कुछ रोड मिलेगा आपको ऋषिकेश के बाद 200 किलोमीटर के लिए, फिर पहुंचोगे आप केदारनाथ। और इन रोडों पे काफी स्लाइड्स आते हैं क्योंकि ये पहाड़ थोड़े कच्चे हैं, इस वजह से रात को आराम से जाए। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है बाइक से, बहुत ही खतरनाक, इसलिए मैं कह रहा था अभी आपको कि आराम से जाओ, रास्ते पे ये एक्सीडेंट, ये देखिए, इसलिए कहता हूँ आराम से जाए, खुद डर चुका हूँ मैं तो, खुद आराम से चलानी पड़ेगी अब गाड़ी। देखिएगा इस पुलिस वाले भी आ चुके हैं और अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है यहाँ पे। ये कहता हूँ जब मेरे साथ हो आराम से ड्राइव करे, भगा के कुछ नहीं मिलना, 1 घंटे लेट होने से अच्छा है कि भाई मोटा ही जा रहा है। ये 1 घंटा हो चुका है, ना कोई एम्बुलेंस आई है ना कुछ आई है, पता नहीं लोग बातें मारे, बाकी कोई करने को कोई तैयार है नहीं है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, बस बोल रहे हैं एम्बुलेंस आ रही आ रही है। 1 घंटा हो गया शायद इस बंदे को, उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। सो ये अपने अभी युगांतर गया है हेल्प करने। सो फाइनली ये आर्मी वाले आ चुके हैं और इन्हें अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, नहीं तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा इनका बचना। एम्बुलेंस को 1 घंटा हो गया कॉल करके पर अभी तक आई नहीं। जब भी ट्रैवल करो तो आराम से जाओ, क्यों मानते हो ना मेरी बात, अब उनको भेज दिया है दूसरे से, तीसरा गया नहीं माना, ठीक है रोड बेकार है तो ले आर्मी वालों के साथ भेज दिया है और पर अनकॉन्शियस नहीं बच जाएंगे, उतना नहीं है पर सब कुछ ले जाएंगे। सो गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा हो मतलब कभी तो आप ना हो कभी, अगर मतलब कभी हो ऐसा वो रास्ते में कुछ आपको ऐसा वो दिख जाए तो कभी इसमें ये पैनिक मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए यार, हेल्प करनी चाहिए। अभी भी हमने देखा ना वो बंदा कम से कम 20-25 मिनट से ऐसे ही लेटा हुआ है और लोग आ रहे हैं और कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चलो वीडियो तो हम भी बना रहे थे पर हेल्प करनी चाहिए यार। और वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, मतलब वो भी कुछ नहीं कर रहे, फिर जाके एक बंदा आया उसने बोला कि इसको ले चलते हैं, नहीं तो क्या पता जान ही बच जाए बंदे की, और बंदा बिल्कुल था यार, इसलिए बोलते हैं कि ऐसे तो हेल्प करनी चाहिए, डरने की बात नहीं होती हो सके। हाँ, अगर आपकी वजह से कोई बच रहा है तो बचाओ उसे, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। बाकी रात हो चुकी है और ये देखिए यहाँ का व्यू, ट्रैफिक भी कम है, नहीं तो यहाँ दिन के टाइम पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक आजकल की बहुत, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं। बाइक वाले यार आराम से चला करो और वेयर हेलमेट, अगर उसने आज हेलमेट ना होता पहना हुआ तो शायद स्पॉट पे ही डेड हो जाता, वो नहीं बचा तो है। इसलिए जो भी चीजें होती है ना किसी ने ठीक है वो बनाई, उसे फॉलो कीजिए, हम भी ये बोलेंगे। बाकी आज हम भी बहुत आराम से चल रहे हैं क्योंकि होता ही है फिर डर बीपी हो गया, बाकी कुछ नहीं ऐसा, अपनी ओर चलो आराम से, यही बोलेंगे हम तो इस हालात के बाद, क्योंकि ये हुआ भी तो हमारे साथ यार पहली बार है, हम भी कुछ नहीं कर पाए थे उतना तो, लेकिन वो था कि थे हम साथ, हाँ मतलब ये था कि जहाँ तक हो सकता था हमने किया, हेल्प कर दी उसकी, बाकी भगवान पे नहीं बस तो जाएगा सब कुछ। आपको रह चुके हैं 31 किलोमीटर और,
और केदारनाथ के लिए रहे 104, मतलब 4 घंटे का रास्ता और, क्योंकि रोड खराब है थोड़े। रोड खराब ही क्या, रोड भी ठीक है मेरे हिसाब से तो, लेकिन मौसम के हिसाब से। और ये देखिए यहाँ की मार्केट, अभी अमरूद का यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे है। नाम क्या यहाँ का है कुछ पता? बताओ। बागवान। बागवान बागवान तो हमें यार भाई बागवान इनको ना, वो पीछे रह गए। हाँ शायद से पीछे रह गए। चलो जो भी है, मतलब रोड एक ही है यहाँ के। आपके बच चुके हैं 10:10, 11:30 ठीक है भाई, थैंक यू टोकने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ऐसा सीन है कि अभी यहाँ अनाउंसमेंट हुई है पुलिस के द्वारा कि यात्रा बंद कर दी है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा पड़ रही है और हम अब यहाँ फंस चुके। फंस तो क्या गए हैं, हमारा तो सब कुछ है, पर देखते हैं अब क्या बनता है। तो इस व्लॉग को हम सोच रहे हैं यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आप अगले व्लॉग में देखना हमारे साथ क्या हुआ और अब कहाँ गए, क्योंकि अब हमारे को लग रहा है होटल भी ले सकते हैं हम, या फिर हम किसी की बात ना सुन के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड और ट्यून्ड रहो हमारे साथ, और अगले इस व्लॉग को करेंगे एंड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के बाय।